सूचना दें, बिल्कुल हम भी अपनी सुविधा के अनुसार उसमें शामिल हो जाएंगे। अनूल और तुम्हारे यहाँ भी नहीं हुई है ना किस कमेटी में? नहीं चिन्हित में मीटिंग कब कर ली गई, नहीं की गई तो कब से कर ली है। चौबीस फरवरी को एक मुकदमा लिखा गया था थाना चिन्हट क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे फुसुका पूर्वा ग्राम के अंतर्गत वीरान में एक व्यक्ति की शव मिला था जिस पर चोटों के निशान थे। उस संबंध में पहले अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त हम लोगों के सामने एक चुनौती थी। विभिन्न मीडिया के साधनों द्वारा उनके चित्र प्रसारित कराए गए तथा अपने लोगों के माध्यम से भी क्षेत्र में जानकारी की गई। अंततः उनकी पहचान तूफानी चौहान के नाम से हुई, जो यहाँ पर मजदूरी करते थे और संत कबीर नगर जिला के रहने वाले थे। हत्या का कारण समझ में नहीं आ रहा था तो एकदम ब्लाइंड था चीज़ें। हम लोगों ने जो पुलिस की कार्यशैली है, जो उसके आवागमन के संभावित रास्ते थे, वहाँ से वीडियो फुटेज लिया गया क्योंकि मृतक की शिनाख्त हो गई थी और ये भी पता चला था कि मृतक मोबाइल फ़ोन प्रयोग नहीं करता था। तो एक चुनौती ये भी थी कि उसका संपर्क कहाँ कहाँ से था, क्या था, उसके बारे में भी हम लोग को बहुत जानकारी नहीं थी। तो जो वीडियो फुटेज है तथा ग्राउंड इंटेलिजेंस है उसके आधार पे अंततः आज सवेरे इस जो आपके सामने अभियुक्त हैं रामनरेश साहू, इनकी गिरफ्तारी हुई। मृतक और ये हत्यारा अपराधी दोनों ही राजगीर मिस्त्री का कार्य करते थे। जिस दिन घटना घटित हुई है उस दिन भी दोनों ने साथ में एक ही जगह पे काम किया था और शराब के नशे के आदि होने के कारण शाम को जो इनको मजदूरी के पैसे मिले उससे कुछ शराब खरीदी और पिया। बहुत अधिक पीने के बाद नशे में और पीने के लिए पैसे कौन देगा, इसको लेके इन्होंने उसकी हत्या कर दी। सर क्या उसके पास जो बताया जा रहा अमाउंट भी था, पैसों को लेकर के विवाद हुआ था? जो बताया ना 650 रुपये प्रतिदिन मिलता है, मजदूर आदमी है, वही उसी से खाना चलता है, उसी से वो चलता है, तो वो तो 650 रुपये शराब भी पिया उन्होंने। अब तो अमाउंट उतना बड़े वो नहीं था कि मतलब उस चीज़ के लिए कोई वो करे, लेकिन जो शराब का जो नशा था उसके कारण व्यक्ति आपा खो बैठा और उसने उसकी हत्या कर दी।